अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत आसान सा और मज़े का सालन बना रहे हैं। आज हम अरवी गोश्त बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से अज़ा मैं शामिल कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए हम मटन का गोश्त लिया है, ये तकरीबन 750 ग्राम है, 3 पाव। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, एक लहसुन पूरा मैंने लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, 7 हरी मिर्च, धनिया है, आखिर में हम दही भी शामिल करेंगे। और अरवी मैंने ले ली है, तकरीबन 1/2 किलो है। और जो स्पाइसेस हैं उनमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्रश रेड चिली 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर या धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके अलावा जो खड़े मसाले हैं उसमें मैंने 8 से 10 काली मिर्च ले ली है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है, और 3-4 मैंने लौंग ले लिए हैं, और एक बड़ी इलायची ली है। तो ये कुछ हम खड़ा मसाला डाल रहे हैं, बाकी हम पिसा हुआ गर्म मसाला एंड पे डालेंगे। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम गोश्त ऐड कर देंगे, और इसके बाद सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें 1 से 1.5 कप पानी आप डालेंगे, अदरक जो है वो मैं ऐड कर दूंगी, लहसुन ऐड कर दूंगी, प्याज को रफली चॉप करके ऐड कर दूंगी, टमाटर हम एंड में ऐड करेंगे जब एक दफ़ा गोश्त गल जाएगा। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 6 टेबल स्पून। तो मैंने ऑयल भी ऐड कर लिया है। एक दफ़ा सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे प्रेशर देने के लिए चूल्हे पे रखते हैं। तो कुकर को मैं बंद कर देती हूँ, और इसका सीटी आने के बाद इसकी जब एक विसल शुरू होगी तो उसके बाद 7 मिनट में इसको गला लूँगी, और उसके बाद फिर हम इसको उतारेंगे। जितनी देर में गोश्त कर रहा है, अरवी भी मैंने छील ली है। तो अरवी छीलने के लिए मैं आपको एक टिप दे दूँ कि बाज़ औक़ात अरवी छीलते हुए, ख़ासतौर पर अगर वो ज़्यादा ड्राई ना हो, तो ये चूँकि ड्राई है तो इतना इसमें ख़ारिश नहीं हाथ में होती, लेकिन कई दफ़ा करने से हाथ में इचिंग और ख़ारिश से शुरू हो जाती है। तो अरवी छीलने के लिए आप हाथ पे पहले कुकिंग ऑयल या कोई लोशन लगा लें, और छीलने के बाद आप हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने के बाद दोबारा से हाथ पे कुकिंग ऑयल या लोशन लगा लें, तो आपकी जो इरीटेशन है वो फौरन ख़त्म हो जाएगी, बल्कि आपकी इरीटेशन होगी नहीं। तो अरवी छीलने के बाद अभी मैंने धोई नहीं है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है और वो मैंने अरवी पे डाल दिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर इसको लगा के रखेंगे, इससे अरवी में जो लेस बहुत ज़्यादा होती है वो कम होती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसको हम लगा कर तकरीबन 5 से 10 मिनट रखेंगे और फिर इसको धोएंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, और मैंने गोश्त का प्रेशर रिलीज कर लिया है, और अब इसको खोला है। आप ये देखिए कि इतनी देर में गोश्त अच्छे से गल गया है, इतना भी नहीं गलाना कि टूटे, क्योंकि अभी हमने इसे भूनना है और अरवी डाल के भी इसको फिर बाद में गलाना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसे नहीं गलाएंगे इस वक्त। और अब इसमें देखिए पानी भी जो डाला था वो भी तकरीबन खुश्क हो गया है, ये घी है, इसको हम मिक्स करेंगे। तो जो सारा मसाला जो है, प्याज और जो लहसुन वगैरह है वो अच्छे से टूट जाएगा। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हुआ है, और साथ ही मैं इसमें टमाटर अब शामिल कर दूंगी।
तो टमाटर मैं इसमें इस वक्त ही शामिल करती हूँ। अगर शुरू में शामिल कर दिए जाएँ तो बार दफ़ा गोश्त उससे सख्त हो जाता है और अच्छे से नहीं गलता। और अगर आप बीफ का गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये बहुत मज़े का बनता है और उसमें आप उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। तकरीबन 15 मिनट गोश्त आपको गलाना पड़ेगा, ये भी आपके गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब हम हाई फ्लेम पर ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल निकल जाए। इसको हम भूनते जाएंगे। गोश्त को भी मैं हाई हीट पे ही भून रही हूँ। तो देखिए जो सारा मसाला है जो कि प्याज का था और टमाटर भी मिक्स हो गए हैं और अभी इसका घी नहीं निकला, तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे कि सारा जो है वो इसमें से पानी ड्राई हो जाएगा और घी निकल जाएगा। फिर हम फ्लेम मीडियम पे करेंगे। अब तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और घी निकल आया है और मसाला ड्राई हो गया है, तो फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिया है और अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक इस तरह मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इससे गोश्त और मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो साथ साथ पानी का छींटा देते जाएंगे। अभी से गोश्त का कलर देखें कि बहुत अच्छा सा आ रहा है, मसाले का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होता है इस तरह भूनने से। तो 10 मिनट बाद मैं आपको भूनने के बाद इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जब हमने गोश्त में अरबी को शामिल करना है तो उससे पहले हम अरबी को धो लेंगे। तो इसको मैंने नमक लगा के रखा था, तो इसको पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छी तरह इस तरह हम घुमाएंगे और सारी जो इसकी इसमें जो लेस होती है वो इस तरह निकल जाती है। 2-3 दफ़ा अच्छी तरह घुमा के हम इसे साफ़ करेंगे और साफ़ पानी से धो लेंगे। ये पानी हम फेंकेंगे, मज़ीद पानी ऐड करेंगे और अच्छे से धो लेंगे। तो अरबी धुल के साफ़ हो गई है और अब इसका इस तरह चिपचिपापन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। गोश्त को मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। घी भी अच्छे से निकल आया है और बहुत अच्छे से मसाला भून रहा है। तो अब मैंने 4 टेबलस्पून दही ले लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा दही डालते हुए 10 मिनट मज़ीद इसको भून लूँगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका सालन जो है वो बहुत मज़े का नहीं बनता, तो गोश्त की भुनाई वो कम करते हैं। गोश्त और मसाला अच्छी तरह भुने तो सालन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। गोश्त अच्छी तरह भुन गया है, दही भी सारा मैंने ऐड करके भून लिया है। अब हम अरवी शामिल कर देंगे और अरवी शामिल करने के बाद भी 5 मिनट तक इसको भूनेंगे, तो इससे अरवी में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और अरवी का जो टेस्ट है वो भी गोश्त में शामिल हो जाएगा। गोश्त अब अरबी के साथ भी भून के तैयार हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया हुआ है। तो अब हम जितना हम पानी डालना चाहें इसमें डाल देंगे, अगर आप शोरबा जितना कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं। और अब अरबी को इसके साथ गला लेंगे। मैंने पानी ऐड कर दिया है, मिक्स करेंगे और आप नीम गर्म पानी इसमें ऐड करें। ठंडा पानी डालेंगे तो कई दफ़ा जो गोश्त या अरबी है वो अच्छी तरह नहीं गलेगी। अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी और तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद प्रेशर दे दूंगी। उसकी विसल हिलने के बाद 4 मिनट तक अरबी जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो 4 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर देने के बाद, अब इसका प्रेशर जब ख़त्म हो गया है तो हम चेक कर लेते हैं कि अरबी हमारी अच्छे से गल गई है कि नहीं।
तो अरवी बहुत अच्छे से गल गई है। और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। इस मौका पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं और आपने जितना इसमें शोरबा रखना है उसकी बनावट से पानी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर इतना ही काफ़ी है तो आप मज़ीद ऐड ना करें। अब हम लास्ट में इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसी तरह क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। अब सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है और हम तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट दम की आंच पे रखेंगे ताकि सब मसाले जो हैं इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और घी ऊपर आ जाएं। तो मैं लो फ्लेम कर देती हूँ। तो देखिए कि हमारा बहुत ही मज़े का अरवी गोश्त तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है और इसका टेस्ट इससे भी बढ़ के है। अरवी गोश्त को मैंने डिश आउट कर लिया है तो बहुत ही खुश रंग और मज़े का अरवी गोश्त तैयार है। आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके सब घर वालों को भी यकीनन बहुत पसंद आएगा। और पसंद आए तो ज़रूर इस रेसिपी को लाइक कर दें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।